हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 29 अप्रैल और आज है फाइनली डोरा का बर्थडे। आज डोरा जो है वो 1 साल की हो गई है। जब हमारे घर पे आई थी तो वो 1.5 महीने की थी और आरब के बर्थडे पर उसको लेके आए थे ये, तो 6 जून को आई थी हमारे यहाँ। और तब मैंने बताया कि वो 1.5 महीने की थी और अब इतनी जल्दी 1 साल की हो गई, पता भी नहीं चला। आज उसका बर्थडे भी है तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अभी मैं दिखाती हूँ क्या। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारी डोरा की बर्थडे पार्टी इस ब्लॉग में। और नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझसे जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज सबसे पहले सुबह जो है वो डोरा को नहलाया भी था, क्योंकि आज स्पेशल डे है उसके लिए। तो वैसे वो नहाती है लेकिन 8-10 दिन हो जाते हैं तब नहा पाती है, वही नहलाते हैं उसको। तो आज उसने नहा लिया है, फिर उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, फिर अच्छे से नींद ली है। तो अभी 5:30 बजे मैं उसको ऊपर छोड़ के आई हूँ। अब 8 बजे लेके आऊँगी मैं, जब रीति के पापा और मैं आ जाएंगे, उसके बाद वो केक काटेगी, केक खाएगी, अपना जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखो डोरा हल्लू करके क्या चबा रही है। अरे खा क्यों रही है, खेलेगी नहीं, खा रही है तोड़ के। डोरा ने नहा लिया और अपने दाने खा लिए, इनका नाश्ता भी हो गया। और अभी ये बंदी इसलिए है क्योंकि अभी झाड़ू पोछा होगा तो ये करने नहीं देती, बार बार इधर उधर नाचती रहती है, शांति से नहीं बैठती है एक जगह। तो इसलिए अभी ये नहा के नाश्ता करके बैठी हुई है, खेल रही है। तो इसको प्लास्टिक के जितने भी खिलौने दो खेलने के लिए सारे काट काट के खा लेती है। और गंगू भाई जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ गई है। कल हम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखी है अपने ही घर पे, और होम थिएटर है उसमें, तो मज़ा आ गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आप भी लोग ज़रूर देखें। और जो है वो आलिया भट्ट की जो उसमें एक्टिंग है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ आलिया भट्ट से, आलिया भट्ट की फ़ैन हो गई हूँ मैं तो। डोरा का बर्थडे और शाम को है डोरा की बर्थडे पार्टी, तो अभी मैं जो है वो अपना रूम जो है वो साफ़ कर रही थी। अभी आरव रीति नहीं है तो देखिए रूम कैसे साफ पड़ा हुआ है। और अभी आरव रीति आ जाएंगे फिर तो बिस्तर पे जो है वो जगह ही नहीं बचती है बैठने के, इतने खिलौने और पता नहीं क्या क्या फैला देता है। तो अभी रीति गई है स्कूल, अभी बज रहा है 10:15 और मैं रसोई के काम से 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। और अब मैं अपने जो है वो रूम वगैरह साफ़ करती हूँ, 1/2 घंटा लगता है। ये रही डोरा, डोरा हैप्पी बर्थडे, देखो सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। डोरा देखो सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, इधर देखो सब लोग हेलो गाइस कर दो, सब लोगों से हेलो गाइस कर दो, कह दो आज हमारा फर्स्ट बर्थडे है, आज हमने हनुनु करी है अभी, और हमने ब्रेकफास्ट में दाने खाए हैं, और अब हम लंच में सब्जी रोटी खाएंगे। तो ये देखिए हमारी डोरा, और अभी दिन भर ये धूप की वजह से जो है वो रूम में ही सोती है एसी में, और अभी बज रहा है 5:30। तो अब इसका ऊपर जाने का टाइम हो गया क्योंकि 6:45 बजे मैं जिम जाती हूँ, तो फिर मैं इसको ऊपर छोड़ के जाऊँगी। और रीति पढ़ती ट्यूशन, तो ये फिर परेशान करती है, इसको ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ने देती है, और क्योंकि ट्यूशन वाली मैम आती है तो उनको भी ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं इसको इसलिए छत पर छोड़ के आऊँगी ताकि ये आराम से खेलती रहे ऊपर, और फिर ये रात में जब इसका डिनर जाता है तभी थोड़ी देर के लिए नीचे आती है, फिर ऊपर फिर इसको भेज देते हैं। तो आज तो फाइनली इसका बर्थडे है, तो 8 बजे ये केक काटेगी, केक खाएगी और अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करेगी। तो अभी फटाफट मेरा टाइम हो रहा है, मेरे पास 15 मिनट है, मुझे आरब को कुछ खिलाना है, उसके बाद मैं निकलती हूँ जिम के लिए। ये किया मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन डोरा के लिए हैप्पी बर्थडे की, ये ऊपर वाले जो गुब्बारे हैं वो सारे इकट्ठे हो गए और 2-3 फूट भी गए, और अब उसको जो है वो केक काटने का टाइम हो गया, उसका केक भी आ गया। और ये आई है 3 कैप आई है, एक डोरा लगाएगी और 2 आरव और रीति लगाएंगे। और डोरा के पापा ये लाए हैं केक डोरा के लिए, विनी का, जब से विनी खुला हमारे यहाँ विनी का ही केक आता है, क्योंकि इसका केक जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मतलब कि ताज़ा होता है केक। चलो खोल के देखते हैं। तो ये रहा डोरा के लिए केक,
डोरा को ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि जो है वो डॉग्स को जो मीठा है वो ज़्यादा नहीं दिया जाता, खुजली का भी डर रहता है, तो इसलिए हम लोग भी खाएंगे और डोरा भी खाएगी, पहले से कट करवाएंगे। और ये देखो आरब घूम रहा है आधे घंटे से तैयार हो के। आरब बहुत ज़्यादा खुश है। किसका बर्थडे है? ये वाला के उसको दे दो केक। अब प्लेट चलो हो गया डोरा का हैप्पी बर्थडे। नीचे रखो नीचे चलो। बैलून तो फोड़ा ही नहीं, केक काट दिया डोरा ने वैसे तैसे। आरव रीति को केक बहुत पसंद है। केक फायदा नहीं करता ना, इसलिए पसंद है। जो चीज फायदा करती है वो नहीं खाता। देखो ये जो किनारा किनारा है ना केक के, ये देखो ये चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट। तो केक कट चुका है और सब में बट चुका है। तो कैसा लगा आपको हमारे डोरा का बर्थडे का सेलिब्रेशन, जैसा भी हम लोगों ने कर पाया? केक देखिए ऊपर से बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अंदर इसमें काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो लेयर्स दे रखी है, और अंदर से जो है वो क्रंची भी है काफ़ी ज़्यादा। इसमें जो ये ऊपर दाने दाने से पड़े हैं चॉकलेट है, ये वाइट चॉकलेट तो अंदर ही पड़ी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त फ्लेवर था इसका। और विनी का केक है तो ये ख़राब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल फ्रेश देते हैं, और टेस्ट के मामले में तो इसे कोई फेल नहीं कर सकता है। तो अगर आपके शहर में भी विनी है तो इससे बेस्ट केक आपको वही नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको हमारी डोरा का बर्थडे सेलिब्रेशन? पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना वीडियो को, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।